आज हम बात करने वाले पेशेंस। पेशेंस से मुझे यहाँ पे 5,000 से लेके 1,00,000 रुपए तक का यहाँ पे लोन अप्रूवल हुआ है। ये मेरे किसी कस्टमर का लोन है जिनको ये जो लोन अप्रूवल हुआ है उन्होंने मुझे ये अप्लाई करने के लिए यहाँ पे जो लोन को मैंने इनकी प्रोफाइल को ओके किया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 5,000 से लेके पूरे 1,00,000 रुपए तक का लोन यहाँ पे मिला है। और ये लोन कैसे मिला है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप पेशेंस से लोन को अप्लाई करोगे तो हो सकता है कि आपका सिर्फ 10% या 20% में ही जो पेशेंस एप्लीकेशन है लोन को अप्रूवल कर दे। और ये उन्होंने का लोन जो कैसे अप्रूवल है वो भी मैं आपको भी बता देता हूँ। जैसे आप पेशेंस एप्लीकेशन में लोन को अप्लाई करोगे तो जब वो अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा तो जब वहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड और जो सैलरीड वाला ऑप्शन आता है तो आपको सैलरीड वाले ऑप्शन पर ही क्लिक करना है। अप्लाई करके चेक करो। जैसे आप उस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे 70-80% लोन 100% वहाँ से आपको अप्रूवल देखने को मिलेगा। अब मैं इसका यहाँ पे जितना इंटरेस्ट लगता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और जिसको हमारे को टेनवर मिलता है वो भी मैं बता देता हूँ। 12 मंथ, 15 मंथ, 18 मंथ और 24 मंथ का हमारे को यहाँ पे टेनवर देखने को मिलता है। और ये एप्लीकेशन सिर्फ पैन कार्ड आधार कार्ड पर वर्क करती है। अगर हो सकता है कि कुछ ये यहाँ पे हमारे को 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट भी हमारे से यहाँ से मांग सकती है। बाकी मैं कुछ पक्का नहीं कह सकता हूँ कि हमारे को यहाँ पे स्टेटमेंट मांगी लेगी। कुछ वर्क में यह स्टेटमेंट मांगती है, कुछ वर्क में स्टेटमेंट भी नहीं मांगती। और अगर मैं इस लोन को 24 मंथ के लिए लेता हूँ तो 24 मंथ के लिए जो मेरी ईएमआई बनेगी वो बनेगी 5,591 रुपये। और जो इसमें मेरा इंटरेस्ट लगेगा 34,184 रुपये मेरा इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि ये जो लोन मिल जाएगा मेरे को 3 साल के लिए मिलेगा। और जो मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे वो 96,460 रुपये जो मेरे अकाउंट में यहाँ पे ट्रांसफ़र होंगे। ये मैंने आपको लाइव प्रूफ यहाँ पे दिखा दिया। रीज़न फॉर लोन, आप यहाँ पे कुछ भी रीज़न डाल सकते हैं, मेडिकल इमरजेंसी या स्कूल फीस या कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद इसको कंटिन्यू पे करके आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको कितने का भी यहाँ पे लोन अप्रूवल हो जाए। जिस भाई को लोन अप्रूवल हुआ है 5,000 से लेके 1,00,000 के बीच में ये जो लोन है कितने का भी अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसका मैंने आपको इंटरेस्ट बता दिया, ईएमआई भी बता दी। आप 12 मंथ, 15 मंथ, 18 मंथ और 24 मंथ का कोई भी प्लान यहाँ से सिलेक्ट करके जो लोन अमाउंट को अपने अकाउंट में क्रेडिट कर सकते हैं। और मैंने आपको जो बताया, अगर आप जब भी लोन को अप्लाई करोगे तो आपको सैलरीड वाला ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सैलरीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका वहाँ से लोन आसानी से अप्रूवल हो जाएगा। जैसे ही आपका लोन आसानी से अप्रूवल होगा तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद 1 से 2 घंटे के बाद ही आपके पास कॉल आ जाएगी कि अपना आपका जो लोन है इतना अप्रूवल हुआ है और आप उसको अपने अकाउंट में क्रेडिट कर सकते हैं। उसके लिए आपको 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। जैसे ही आप उनको 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट सबमिट करोगे उसके 2 से 4 घंटे बाद ही जो ये जो उसका बैलेंस है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। आप मेरी ट्रिक से करके देखो, हो सकता है कि अगर आपका थोड़ा सा भी सिबिल अच्छा होगा तो आपको पेशेंस से जो लोन है वो आसानी से मिल जाएगा। और इसकी मैं आपको एप्लीकेशन भी दिखा देता हूँ। पेशेंस एप्लीकेशन, आपको पेशेंस पर्सनल लोन ऐप, 5,000 से लेके 5,00,000 रुपए तक का हम यहाँ पे लोन आसानी से ले सकते हैं। और ये कंपनी NBFC कंपनी, आपको यहाँ पे किसी प्रकार की भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। आप आसानी से इस लोन को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे कॉन्टेंट डेली लेकर आता रहता हूँ। थैंक यू दोस्तों।